एक बलहरिया विधायक बच्चा जी पांडे जो हमारे चचे के लड़के हैं, मेरे सगे चचे के लड़के हैं और उन्हीं का बड़े भाई है टीना जी पांडे, वो पूर्व मुंशी है जो कि वो मेरे सगे चचे के ही लड़के हैं और इन्हीं दोनों के भाई एक छोटे है अभिषेक पांडे, वो भी हमारे सगे चचे के ही लड़के हैं और हम इनके द्वारा उनके पटीदार हैं, सगे पटीदार हैं और इनके द्वारा हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हर वक्त मेरे को ये लोग धमकी दे रहा है, मतलब दिक्कत कर रहा है, यहाँ तक कि कल हमारे घर में घुस करके, कल नहीं पीछे कितने दिन को मतलब गया था लेकिन क्लियर मालूम नहीं हुआ, लेकिन हमारी बहन संडे को गई थी धान बंटवाने के लिए तो देखी कि ताला लगा है और घर का पूरा सामान गायब है, साड़ी इधर से उधर फेंका गया था, उसमें गहना था, जो भी गहना था हमारे मृत्युंजय भाई का था और हमारे मम्मी का था, हमारे दो लड़कियों का था, ये पूरा गहना और साड़ी वगैरह सब टीना जी पांडे छत द्वारा आकर के हमारे घर में से निकाल करके लेकर के चले गए, साथ में 3 सूटकेस एक्स्ट्रा भी ले गए हैं जो कि वो बनारसी साड़ियों से पैक था। तो आप पूरे एमएलसी टीना पांडे या विधायक बहुआ अच्छा पांडे को डायरेक्ट आरोप लगा रहे, कैसे चोरी घटना का? देखिए दूसरा कोई आने का रास्ता नहीं है, सिर्फ हमारा और उनके छत का 1.5 फुट का अंतर है और उधर ही से आने का रास्ता है। मान लीजिए कि बाहर का दरवाजा बंद है और एक तरफ से वो बाउंड्री कर दिए हैं, मतलब बाउंड्री से हमारा गेट ही बंद कर दिए हैं, आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिए, उधर से चोर आएगा नहीं, इधर बैक साइड से चोर आएगा नहीं, आएगा तो ताला तोड़ेगा, तो सीधा छत से हमारे आंगन में आए हैं टीना जी पांडे, बच्चा जी पांडे प्लस मुनमुन पांडे, उनके अभिषेक नाम है वो मुनमुन पांडे, ये तीनों भाई अंदर घुसे हैं आराम से, ये भी हड़बड़ गड़बड़ नहीं, आराम से आए, आ करके पूरा कहानी को मतलब अंजाम दिए, पूरा सामान निकाले, पेटी निकाले, बक्सा तोड़े, तोड़ने के बाद ऊपर भी तिलका बर्तन था उस पूरा आइटम निकाल दिए, बाहर निकाल करके अपने घर के अंदर रख करके फिर दोबारा घुसे, और घुसने के बाद पूरा आइटम को इधर उधर छिलका लो, उसके बाद जितना गहने वाला पेटी सूटकेस था उन्हें ले नहीं गया, उन्हीं पर कटिंग किया, कटिंग करके गहने निकाल लिया, उसमें खेत का पेपर था और रजिस्ट्री का पेपर था, ये पूरा पेपर वगैरह पूरा निकाल करके घर में कुछ छोड़ा नहीं है पुराने आइटम के सिवा, जो उनके ये नजर में आया है कि नहीं इसका कीमत 200 रुपया है, वो आइटम मेरे घर में है, करीब करीब 50-60 लाख रुपए के चोरी गया है, 50-60 लाख। हाँ तो आपने इसके लिए किसी थाने में? हाँ दरौली थाने में अप्लाई किया हूँ, एप्लीकेशन दिया हूँ FIR के लिए। तो आखिर आप अपने विधायक भाई मुंशी भाई पे क्यों आरोप लगा रहे हो, क्यों चोरी करे वाले? तो सामने दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इससे पहले मेरे को मारने की धमकी दिया था उसने टीना जी पांडे जी, मेरे को मारने का धमकी दिए थे कि तुम जब भी गांव पे आओगे तो तुमको मैं मर्डर कर देगा, नहीं तो मृत्युंजय को भेजो उसका मर्डर कर देंगे, गांव में पिस्टल डालने के लिए भी बात किए थे। कौन बोला? टीना जी पांडे बोले थे, बोले थे कि हमारा वो बाउंड्री मार रहे थे, हमारा जमीन कब्जा कर रहे थे, हमारा मकान कब्जा कर रहे थे, हम मना किए तो उसी पर भड़क करके बोलना चालू किए, हालांकि ये वायरल भी किया गया था, सब लोग देखा भी, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो मतलब सरासरी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये चोरी करना उचित नहीं है, उनके जैसे महान मतलब नेता बनने के चॉइस में है और फिर भी ये चोरी का कुकर्म कर रहे हैं। कितने की चोरी हुई? 50 लाख का। क्या मांग करते हैं? हम सरकार जो भी मतलब इसमें हमारा प्रशासन जो भी मदद करे, मैं उचित अपना जो भी हमारा गया है उचित हमलों को मुआवजा मिल जाए। आपका घर उनका घर? हाँ, जैसे कि सट के है, एक तरफ उनका मकान है एक तरफ हमारा मकान है, बाउंड्री एक ही है, बाउंड्री एक ही है। तो क्या लगता है कि विधायक हैं और पूरे मुंशियों तो अपने जो पावर है उसका यूज कर रहे हैं? हाँ, वो पूरे पावर यूज कर रहा है, दोनों भाई कर रहा है लोग, पूरा पूरा धमकी में ये भी बोला है लोग कि जब भी तुम आ जाओगे तभी हम मर्डर कर देंगे, हमारे को सरकार जो भी करेगा हम देख लेंगे, हम जाकर के जेल खट लेंगे। कौन बोला था? टीना जी पांडे। ताकि क्यों नहीं, किस लिए झगड़ा चल रहा है? जमीन को लेकर के। कितना जमीन है? 2 कट्ठा जमीन है, यानी कि पूरे जमीन को मिलाकर के 4 कट्ठा जमीन है, उसमें हिस्सेदारी हमारा 2 कट्ठा का है और 2 कट्ठा में उनका मकान है, हमारे 2 कट्ठा में मकान नहीं है, 1.25 कट्ठा या 1.5 कट्ठा में मकान है, बाकी ऐसे फील्ड जैसे है। तो हड़पना चाहते हैं? वो पूरे जमीन ही हड़पना चाहते हैं। तो आप लगा रास्ता भी बंद कर दिया? हाँ, पूरा रास्ता बंद कर दिए हैं।
आप क्या करते हैं? मैं इलाकपुर में बिल्डर का काम करता हूँ। चोरी की सूचना कब मिली? जैसे कि संडे को, इसी संडे को, आज 30 तारीख है, यानी कि संडे हो गया आपका 27 तारीख को मेरे को वही बहन गई और जब ताला खोली तो चोरी का सूचना बताई। इसके बाद हम दौड़े दौड़े आए। नाम बताइए। मेरा नाम राकेश पांडे है और सुशल पांडे मेरे पिताजी है और ये ग्राम नेतवार पोस्ट बिलाव जिला सिवान। जान से की धमकी है? हाँ, जान से मारने की भी धमकी दी है। जान का खतरा है? हाँ, अभी भी खतरा है, इसके लिए मैं उधर जा नहीं सकता हूँ। कहाँ नहीं जा रहा हूँ? नेतवार नहीं जा सकता हूँ। क्यों? कभी भी हमको मार सकते हैं। यहाँ अभी अभी एक छोटा मेरे को लिंक कॉल या पर्सन मिला है कि एक गुचुप करके कोई है अपराधी, उसको 3 लाख रुपया पिन भैया दिए हैं हमारे को मर्डर करने के लिए। कौन पिन भैया? एनएलसी पिलाजी पांडे जी। आपका मर्डर करना? हाँ। किसको दिए हैं? किसी गुचुप नाम के अपराधी को सुपारी दिए हैं। कितने को? 3 लाख की। आपने इसके लिए कंप्लेन किया है? नहीं, इसके लिए कंप्लेन नहीं किया गया क्योंकि बात मेरे को काम में आया, तो इसका कंप्लेन मैं अभी नहीं लिखवाया हूँ, लेकिन ये भी लिखवाऊंगा। यहाँ तक कि जिस दिन ये विधायक हमारा बच्चा भैया है जो बड़रिया का विधायक है, इनका जिस दिन फंक्शन हो रहा था, जिस दिन इलेक्शन जीते, उस दिन दरवाजे पर सब लोग उनके पूरे कार्यकर्ता वहाँ गोली वगैरह छोड़ रहे थे। उस मैं घर में सोया था, अचानक मैं देखने के लिए गया था, हमारे ऊपर टूना जी पांडे 2 गोली चलाए थे, मैं कैसे भी बच करके घर के अंदर चला गया। उसी दिन मैं एक ऑटो करके सलेमपुर जा करके अपना गाड़ी पकड़ करके मैं नागपुर गया। क्या लगता है कि दोनों भाई जो विधायक है पूरे एमएलसी उनसे? हाँ, मेरे को मार देना चाहते हैं और कुछ नहीं, मार करके हमारा पूरा वहाँ का जो भी जमीन जायदाद है वो हड़प लेना चाहते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने चोरी किया है कि न रहेगी बांस न बजेगी बसूरी। ठीक है, अपना नाम राकेश पांडे मेरा नाम है। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने सिवान।